हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है और हम लोग पांच कदम का सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में आपको पांच बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2018 का एग्जाम जो एलपी टेक्नीशियन का हुआ था, वहां पे इस सवाल को पूछा जा चुका है। कैसा सवाल आता है, उसको हम कैसे आसानी रूप से बनाएंगे, चलिए सीधे के सीधे आते हैं। उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, इस तरह का सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। 2018 का क्वेश्चन है ये, वहां से मैं लाया हूँ और इस कॉन्सेप्ट से आगे भी आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, आज ये वीडियो देख लीजिएगा, आज ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो आगे भी आपके जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल से काम करेगा। आप आसानी तरीका से सीख लीजिएगा, आगे हर एग्जाम में इस सवाल को आप आराम से बना लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट पर जो भी सवाल आएंगे आराम से बना लीजिएगा। तो पांच बेहतरीन प्रश्न, पांच अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखने वाले हैं। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। एक लड़का यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय के लिए चलता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या करता है, 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है जी। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय उसके घर से विद्यालय की दूरी बताए, यानी कि कुल दूरी पूछ रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, इस तरह का अगर सवाल आ जाए एग्जाम में तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से। देखिए, आपको कुल दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है बताइए, दूरी चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्या लगने वाला है, ट्रिक लगने वाला है, फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुने समय का अंतर। क्या है, समय का अंतर, ठीक है। अब देखिए, चालों का गुणनफल, चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 × 5 हो जाएगा जी। चालों का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर, 5 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद समय का अंतर, समय का अंतर 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा तो, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा तो क्या हो रहा, 9 मिनट देर से पहुंच रहा, क्या 9 मिनट देरी से यहाँ पहुंच रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर समय डिफरेंट रहे, देरी और पहले ये डिफरेंट है, अगर समय क्या रहता, देरी से पहुंच रहा है 9 मिनट, यहाँ भी रहता 9 मिनट देरी से पहुंच रहा तो क्या होता, अगर समय सेम रहे, समय क्या हो जाए, समय समय सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसको दोनों को घटा देंगे। और समय क्या रहे, समय डिफरेंट रहे, डिफरेंट रहे तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि समय डिफरेंट है और ये क्या हो गया, 9 9 18 मिनट, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब काटिए, 5 को 20 हो गया जी, 20 में 60 से काटेंगे तो 3 मरते में काटेंगे और इसको 18 को 6 बार में, यानी कि टोटल क्या आ गया आपका, 6 किलोमीटर। देखिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आराम से इस तरह का सवाल बन जाएगा, है ना, कुछ नहीं करना था आपको। इस तरह का सवाल जब भी आए आपको ध्यान रखना है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। चालों का गुणनफल आपको पता है 4 × 5, चालों का अंतर पता है 5 − 4 यहाँ पे हो जाएगा, गुना समय का अंतर। समय का अंतर आपको ध्यान देना है कि अगर समय डिफरेंट रहे, यानी कि 9 मिनट देरी से पहुंच रहा, 9 मिनट पहले पहुंच रहा है तो ये क्या हो गया, देरी और पहले देखिए तो है ना डिफरेंट, तो ये ऐड हो जाएगा, 9 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और घंटा को चेंज कर देंगे घंटा में तो 18/60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता 5 मिनट पहले पहुंच रहा जी, फिर इतना किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रहा तो 4 मिनट पहले पहुंच रहा तो क्या होगा, समय क्या है, सेम है, तो सेम है तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाता, समय सेम है तो घट जाता है। यहाँ देखिए, समय सेम है तो
तो घट जाता है, यानी कि 5 - 4 हो जाता है। समय डिफरेंट यानी कि पहले और ये वाला रहता देरी से, तो क्या होता ऐड हो जाता यानी कि प्लस हो जाता, और फिर आराम से आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। साहिल ने 20% की हानि पे किसी वस्तु को 280 में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 20% की हानि पे बेच रहा है जी, 280 रुपए में बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा होगा 280 से, ऑटोमेटिक है कि ज्यादा होगा क्योंकि हानि पे बेच रहा है 280 रुपए में 20% की हानि पे, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो जितना में बेचा एसपी सेलिंग प्राइस उससे तो ज्यादा होगा, तब ना हानि हुआ। तो चलिए अब देखिए क्या होगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 280 बटा 100 ऊपर है जगह और 80 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा कि नहीं। अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 7 को 28 कट जाएगा और 2 को 8 कट जाएगा, इसको 50 बार में तो 7 × 50 क्या हो जाएगा 350। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था इसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 350। 350 रुपए का माल था, बेच दिया 280 में, तो अब ना घाटा हो गया 20% का, है ना। तो इस तरह का सवाल आराम से करने का है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, एग्जाम में पूछेगा, आराम से बनाना है, समझ लेना है। कोई भी प्रश्न आए उसको पहले समझ लो पढ़ के कि क्या बोल रहा है क्या होगा। यहाँ पे देखिए साहिल ने 20% की हानि पे किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा, ऑटोमेटिक है कि क्रय मूल्य 280 से ज्यादा होगा, तो 280 रुपए में बेच रहा है, कितना हानि हो रहा 20%, तो 100 ऊपर हो जाएगा और 80 नीचे हो जाएगा, आराम से काट कूट लीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, कविता रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है, 8 वर्ष पहले इसकी आयु का योग 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए जी। कविता के से मान लेते हैं, रजिता आर से इसको मान लेते हैं और हरिता एस से मान लेते हैं, आयु कितना है वर्तमान आयु 4:7:9 दिया गया है। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले इसकी आयु का योग कितना था 56 था, 56 वर्ष था, है ना, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए तीनों का। चलिए देखिए ये इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लीजिए ये 4x हो गया, 7x हो गया, 9x हो गया, और 8 वर्ष पहले कह रहा तो 4x - 8 हो जाएगा जी, प्लस 7x - 8 हो जाएगा जी, प्लस 9x - 8 हो जाएगा जी, और टोटल योग कितना है, तो टोटल योग तीनों का कितना है 56 है। इस तरह का सवाल आ जाएगा ना इसे करने। चलिए अब इसको क्या होगा, एक्स एक्स वाला के जोड़ दीजिए और माइनस उसको देख लीजिए, तो 4x, 7x और 9x जुड़ जाएगा, 7 × 11 = 9, 20x हो जाएगा जी, और माइनस 8, 8, 8 यानी कि 24 बराबर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये 20x बराबर 56 प्लस 24 यानी कि बराबर के उधर जाएगा 24, तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो 20x बराबर क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4, 20 को क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब उसकी वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु वर्तमान रेशियो दिया गया था किसका, कविता का कितना था 4x था, तो 4 × x कितना आया तो 4 आया, तो 4 को क्या हो जाएगा 16। उसके बाद रजिता का कितना था, तो ये था सर 7x, तो 7 × क्या हो जाएगा 4 यानी कि 7 × 28। उसके बाद है हरिता, हरिता का क्या है आपका 9x है, तो 9 × 4 यानी कि 9 × 36, तो कितना आ गया 16, 28, 36 यानी कि वर्तमान आयु कविता का 16, हरिता के रजिता के 28 और हरिता के 36। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है 16, 28, 36, 16, 28, 36 ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से बना लीजिएगा, बस समझ लीजिए किस प्रकार बनता है, हम समझाने के लिए इतना स्टेप लिखते हैं ताकि सभी लोग को आसानी से समझ में आ जाए, जो लोग समझ जाएंगे स्टेप गायब कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को बस शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, रूल ऑफ 12 यानी कि, चलिए क्या होगा
वो ऐसी संख्या जो तीन और चार दोनों से कटे वो 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए कि तीन और चार से कौन कट रहा, सबसे पहले चार से चेक कर लेते हैं चार से कौन कट रहा। तो चार से कटने के लिए लास्ट वाला दो अंक देखेंगे कि चार से कट रहा तो पूरी संख्या चार से कटेगा। देखिए लास्ट वाला दो अंक 12 है, 12 है सब में है, यानी कि सभी संख्या 12 से कट रहा, इससे हमको पता नहीं चलेगा। अब तीन के चेक कर लेते हैं कि तीन से कौन कट रहा है, और तीन से कटने का नियम क्या है, वो ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग अगर तीन से कट रहा है तो पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। चेक कीजिए 6 3 9 4 13, 13 1 14 2 16, एक कटेगा तीन से तो नहीं कटेगा, ये संख्या तीन से नहीं कटेगा। ये चेक कीजिए 4 3 7 4 11 1 12 2 14, 14 3 से कटेगा जी तो नहीं कटेगा, 3 3 6 4 10 और 3 13, ये 13 कटेगा तीन से नहीं कटेगा, ऑप्शन आपका बचा यही। लेकिन हम चेक कर लेंगे कि है कि नहीं, 5 3 8 14 14 14, 5 3 8 4 12 12 3 15, यस ये 15 तीन से कट रहा और चार से भी कट रहा, इसीलिए ये संख्या क्या होगा 12 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी पूछेगा, पूछ देगा कि बताइए जी 7 से कटने का नियम, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। सारा कुछ ऐसा लगेगा कि सर छोटा तो है ही, लेकिन इसमें भी बहुत लोग गलती करके आ जाएंगे। आपको सब क्वेश्चन पे उतना ही टाइम देना है, उतना ही ध्यान देना है, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका सही रूप से बने, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लिए। आपके प्रीवियस ईयर में ये सारा सवाल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, क्या ये नहीं हुआ था? नहीं नहीं हुआ था। चलिए इसको हम बना लेते हैं। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 वर्ष गुना है, यदि सतीश गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है तो गौतम की आयु क्या होगा। इस तरह का सवाल भी प्रीवियस ईयर में आया है, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। जो लोग बना लिए हैं कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साई की आयु मान लेते हैं। माना कि साई की आयु मान लेते हैं जी x, साई की आयु मान लेते हैं x, और गौतम की आयु क्या हो जाएगा, यहां से गौतम की आयु क्या हो जाएगा जिसकी आयु साई की आयु से दुगना है। साई की आयु कितना माने x, तो गौतम की आयु क्या हो जाएगा 2x, और फिर उसके बाद सतीश की आयु निकालिए। सतीश की आयु क्या हो जाएगा, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, गौतम का आयु कितना है 2x, तो इससे 2 वर्ष अधिक 2x प्लस 2 हो गया ना। चलिए अब यदि सतीश गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है, चलिए तीनों का कुल योग क्या है 27 है, तो x प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। x और 2x और ये 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर 27, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये 5x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा जी। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या कह रहा, गौतम की आयु निकालना है, गौतम की आयु क्या था 2x था, तो 2x था गौतम की आयु, तो 2 × x क्या आया 5, तो क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ष, गौतम की आयु 10 वर्ष है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां से पूछता सतीश की आयु, तो सतीश की आयु क्या था जी, सतीश की आयु था आपका, देखिए यहां से सतीश की आयु 2x प्लस 2, तो 2 × x कितना आया 5 प्लस 2, यानी कि यहां से सतीश की आयु 12 वर्ष हो जाएगा, गौतम की आयु 10 वर्ष, सतीश की आयु 12 वर्ष। अब बच गया कौन, ए साई, तो साई की आयु क्या है, साई की आयु x यानी कि 5 वर्ष। अब तीनों को जोड़िए तो 12 5 17 17, और ये आपका 10 27, देखिए तो तीनों का योग 27 है ना, आराम से बन गया ना। इस तरह का प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में दिया गया था और हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लिए, 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ सभी मैथ हम लोग देख लिए। इस तरह का जैसे ही सवाल आपके प्रीवियस ईयर में या कहीं पे भी आप देखें आराम से बना लीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक नए जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सभी प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और कैसा सेशन लग रहा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।